नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। अब से 24 घंटे बाद विश्व विख्यात और विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उद्घाटन होना है। पहले खबरें ये थी कि CM नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि CM नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इस मेले का उद्घाटन करेंगे। सोनपुर मेले की शुरुआत 6 नवंबर से होगी। कल का दिन बेहद ही खास है। एक तरफ बिहार की जनता जो है सोनपुर मेले का इंतजार करती है, वहां जाने का, वहां घूमने का। ऐसे में कल का दिन सियासत के लिहाज से भी खास है, क्योंकि जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं इसकी मतगणना यानी कि काउंटिंग कल होगी और कल ये फैसला होगा कि आखिर बिहार में किसकी जीत होती है। ऐसे में सोनपुर मेले के उद्घाटन को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मेले का उद्घाटन करेंगे। चलिए विस्तार से आपको इस खबर की पूरी जानकारी देते हैं। बता दें कि विश्व विख्यात हरि क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन अब मात्र 24 घंटे के बाद होगा। 6 नवंबर को उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। इससे पहले बताया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन बता दें कि 6 नवंबर को उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। इससे पहले बताया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने आएंगे। पर्यटन विभाग द्वारा मुख्य पंडाल सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रदर्शनियों के स्टॉल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्य पंडाल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मेले में प्रवेश करने वाली सड़क समेत आसपास के कई सड़कों की रातों रात सूरत बदल दी गई है। बिजली, शुद्ध पेयजल, अस्थायी शौचालय, रैन बसेरा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा घाटों पर की जा रही तैयारियों की सारण के DM एवं SP के निर्देश में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि 17 साल में पहली बार ऐसा होगा कि CM नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन नहीं करेंगे। यहाँ झूले तथा बच्चों के खेलने के लिए अनेक साधन उपलब्ध है। दूसरे राज्य से परिवहन पर प्रतिबंध के कारण गाय नहीं लाई गई है। हाथी व चिड़िया बाजार भी प्रतिबंध के कारण सूने हैं। 3 थिएटर लगाए जा रहे हैं। इस बार युवाओं के आकर्षण का केंद्र यही थिएटर रहेंगे। कोरोना संकट काल के 2 वर्ष बाद मेले का आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों का उत्साह चरम पर है। खेल तमाशा वाले तथा गर्म कपड़े का बाजार, लोहा बाजार, लकड़ी बाजार में दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सजाने में लगे हुए हैं। मेले में साधु संतों का आगमन लगातार हो रहा है। देवोत्थान को लेकर यहाँ के मठ मंदिरों में साधु संतों के रहने तथा भंडारा की व्यवस्था भी की गई है। तो सोनपुर मेले से जुड़ी ये एक विशेष खबर थी जो हम आप तक पहुँचा रहे थे। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।